खबर मुरादाबाद से। मछुआरों को तालाब में मिली 500 के नोटों से भरी थैली, सूचना पर पहुंची पुलिस। यूपी के जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके के ढक्का कुंदनपुर का है मामला, जहां सूर्यनगर के तालाब में मछली मारने गए कुछ मछुआरों को अचानक नोटों से भरी थैली मिली, जिसमें सभी नोट 500-500 के थे। वहीं इस थैली में भरी नोटों की कीमत करीब 7-8 लाख रुपए की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तालाब पर मछली मारने कुछ मछुआरे गए थे, जहां उन्हें इसी तालाब के अंदर नोटों से भरी थैली मिली, जिसे देखते ही उन मछुआरों ने थैली को जैसे ही बाहर निकाला तो उसमें 500 के काफ़ी नोट भरे थे। चारों मछुआरों ने नोटों से भरी थैली को लेकर घर चले गए और आपस में चारों ने सभी पैसों का बंटवारा भी कर लिया। आपको बता दें, नोटों से भरी थैली की सूचना जब इलाके में फैली तो इलाके में हड़कंप मच गया। नोटों से भरी थैली की जानकारी जब लगी, जब कुछ मछुआरों ने 500 के नोट अपनी अपनी छत पर सूखने के लिए रख दिए, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस तो उनके भी होश उड़ गए कि आखिर नोटों से भरी थैली तालाब के अंदर कहाँ से आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पुलिस को जानकारी देते हुए कुछ मछुआरों ने बताया कि तालाब में जो 500 के नोट मिले थे सभी सड़े गले थे, तो वहीं एक मछुआरे ने तो नोटों की कतरन भी पुलिस को दिखाई और पूरी जानकारी दी। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आखिर तालाब के अंदर किसने नोटों से भरी थैली को छुपाया था? बताया जा रहा है कि जो नोट मछुआरों को मिले थे वो पुलिस को सौंप दिए गए हैं। अच्छा, कौन सी जगह रहते हो? एक थैली जिसमें पैसे मिलने की जानकारी हो रही है, क्या था वो मामला? मामला ये था, वहाँ थैली थी, वहाँ पड़ हुई, हम मच्छी मारने गए थे तो शंकर भाई को थैली दिखाई दी थी, तो शंकर भाई ने उठा कर देखे नकली है कि असली है, तो वो असली निकले। वो जले हुए भी थे और फटे हुए भी थे, धुले हुए भी थे वो नोट। फिर उसे क्या करा? क्या करा तो शंकर भाई ने उठा लिए, मैंने भी उठा लिए और एक जना और था, उनने उठा लिया। अच्छा, तीन लोगों ने कर लिए वो? तीन लोगों ने, बांटे नहीं थे मगर उठाए थे। अच्छा अच्छा, तो फिर उसके बाद में पुलिस आई यहाँ पे उसकी जानकारी लेने? आई थी। क्या बोली पुलिस? किया आप, तुम्हें बुलाया था या तुमसे तुम्हें कोई पकड़ा था किसी तरह की कोई जानकारी तुमसे? अब आए थे तो हमारी मम्मी से बोले क्या मैं वो आपके यहाँ कोई पैसे मिले थे, हमें सूचना मिली है तो मैं काम पर था, तो मैं उन्होंने कहा कहाँ है वो लड़का, तो हमारी मम्मी बोली क्या मैं वो काम पे है, तो वो कह रहे बुलाओ ने चौकी ली आई। फिर क्या बताया तुमने पुलिस वालों को? क्या पुलिस वालों को ये बताया क्या मैं घर मच्छी मारने गए थे, थैली में थैली दिखाई दी तो उसमें पैसे थे, तो शंकर भाई ने उठाए, फिर उन्होंने एक जने ने और उठाए और एक हमने उठा लिए। अच्छा अच्छा, क्या उम्र होगी तुम्हारी? 15-16 साल। कितने पैसे होंगे करीब, कुछ जानकारी है? 4-5 लाख। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक नोटों की थैली या क्या मिला था, क्या मामला था वो? हम मच्छी मारने तो वो उनका साहिब भाई का लोन लगाया था। अच्छा, मैं जाके बैठा था, अब वो शंकर ना है उसे मिले तो थोड़े से नोट, वो बोला मिस्से बोले देखो असली है नकली, मैंने बताया नकली असली है, तो फिर उसके बाद में उनने जो थैलियाँ पड़ी थी उसमें थैलियाँ में से निकाली, उसके बाद में उठाया उन्होंने फाइव फाइव में, और जो बचा पूछे रहेगा वो मैंने। कैसे नोट थे, सही थे या वो गले हुए वगैरह थे? गले हुए थे, जले हुए। तो कितने रुपए होंगे कोई जानकारी आपको? 6-7 लाख। तो फिर वो कितने लोगों ने बांट लिए? 3 जनों ने। कितने कितने के नोट थे उसमें? 500 के और 2000 के भी थे, ऐसे थे 2000 के 8-9 नोट। तो फिर पुलिस की जानकारी हुई, पुलिस आई थी आपके पास? जी। क्या बोली पुलिस, क्या कहा आपसे? यही कहा कि पैसे कहाँ, पैसे लाओ, तो हमने दे दिए। कोई जानकारी आपने कितने रुपए दे दिए होंगे? जितने थे मेरे पास सभी दे दिए। कितने दिन बाद पुलिस आई आपको पैसे मिलने से? 2 दिन बाद। जिस दिन तुम्हें पैसे मिले उससे दूसरे दिन पुलिस आ गई थी? जी। करते क्या हैं आप? चलो। मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट, JK न्यूज़।